channel. How are you all? I hope everyone is doing absolutely fine. So this is the part 2 of the chapter articles, and this is a kind of a practice session where we will do a lot of practice and master this concept. And before starting the video, please don't forget to hit the like button, share my video, and also subscribe my channel if you haven't. So before starting, let us do a quick revision. Okay, so where is a used? A is a indefinite articles, right? So a is used when there is a consonant sound, when there is a consonant sound and the thing is singular, and the thing is singular, or you can say countable also. Next to a and, that is also a indefinite articles. Where do we use it? Gives when the word gives a vowel, the initial letter gives the vowel sound, and the thing is singular. Okay, and if we talk about the definite article, that is only one, and that is the, when the thing it is specific, when the thing is specific, and it is kind of, it can be put, it can be plural and it can be also singular. So now let's get started. So as I told you, this is a practice session, so let's get started. And here is the question number 1 for our practice. So कंप्लीट दिस शॉपिंग लिस्ट विद ए और एन. तो आप अपनी मम्मा के साथ पापा के साथ शॉपिंग पे गए हो एंड यू हैव टू बाय दिस थिंग्स. तो चलो अभी हम करते हैं इन्हें कंप्लीट. किस क्या लगाना है, ए या एन लगाना है? ओके, तो मैं पहले स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ. डैश ऑरेंज, तो क्या आएगा? एन ऑरेंज. क्या आएगा? एन ऑरेंज. ओके, डैश बॉटल ऑफ वाइन, तो इसमें क्या आएगा? अ बॉटल ऑफ वाइन. डैश कार्टन ऑफ मिल्क, डैश कार्टन ऑफ मिल्क, तो इसमें क्या आएगा? अ कार्टन ऑफ मिल्क. डैश आइसक्रीम, यम यम आइसक्रीम, क्या आएगा इसमें? एन आइसक्रीम. ओके, फिर डैश बनाना. ओके, डू यू लव बनानास? वेल आई डोंट लव बट आई ईट बनानास. वेल डैश बनाना, तो अ बनाना. डैश स्मॉल मेलन, अ स्मॉल मेलन. डैश हैमबर्गर, डू लव हैमबर्गर? अ हैमबर्गर. A piece of ham, a piece of ham. I just spoke the answer. Dash pizza, yum yum pizzas. Okay, everybody love pizzas, right? A pizza. Dash apple. Chalo, isme kya aayega? An apple, right? So, ab hum move karte hain next. Next pay, well, next pay, next hi nahi, next pay. Okay. तो सेकेंड भी यही है, वी हैव टू कंप्लीट विद ए और एन. ओके, तो डैश आवर. सी, मैंने क्या कहा था कि व्हेन द वर्ड गिव्स अ वोवेल और अ कंसोनेंट, जो भी है, आई वाज टेलिंग अबाउट द साउंड. ओके, मैंने क्या कहा था फर्स्ट में भी, अगर आपने नहीं देखा है फर्स्ट वाला, जस्ट गो वॉच द फर्स्ट वन, क्योंकि मैनी थिंग्स तो आपको पता होगी, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें मैं बीच में बोल गई हूँ जो आपको नहीं पता होगी, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो आपको फर्स्ट पार्ट देखना बहुत इंपॉर्टेंट है इफ़ यू आर नॉट क्लियर विद द कॉन्सेप्ट आर्टिकल्स. ओके, तो आई वॉज टेलिंग अबाउट द साउंड, भले वो वोवेल साउंड हो कि कॉन्सोनेंट साउंड हो. तो आई एम नॉट टेलिंग अबाउट द इनिशियल, यू नो, द इनिशियल लेटर ऑफ द वर्ड. आई एम टेलिंग अबाउट द वोवेल साउंड और
दैट कंसोनेंट साउंड राइट. तो अभी आप बताओ एच ओ यू आर क्या होता है. आर आर हम बोलते हैं ना एंड इट साउंड लाइक ओ यू आर राइट. तो ओ किससे स्टार्ट होता है. वॉट इज ओ. इट्स अ वॉवेल इजंट इट. इट्स अ वॉवेल. तो क्या लगेगा यहाँ पे. यहाँ पे लगेगा वॉवेल राइट. तो एन आवर डैश एक्सीडेंट एक्सीडेंट इट गिव्स अ वॉवेल साउंड. सो इट विल बी एन एन एक्सीडेंट डैश हाउस. हाउस क्या है. एक पर्टिकुलर हाउस है. इट्स सिंगुलर ओके एंड इट गिव्स अ कंसोनेंट साउंड. इट गिव्स अ कंसोनेंट साउंड. तो हम क्या लगाएंगे. अ हाउस ओके. डैश यूरोपियन कंट्री. अ यूरोपियन कंट्री. अब आप पूछोगे वाई. अ इट स्टार्ट्स फ्रॉम यू. यू ओके. यू इज अ वॉवेल इजंट इट. तो यू इज अ वॉवेल बट यू साउंड्स लाइक यू ओके. ये यू वाला तुम राइट. तो ये तुम वाला साउंड करता है यू और यू ओके. तो कभी कभी व्हेन यू आर राइटिंग फास्ट इन योर यू नो व्हेन यू आर चैटिंग विद समवन और यू आर जस्ट राइटिंग समथिंग इन दैट व्हाट इज इट मोबाइल. तो आप यू को कभी कभी यू लिखते हो कि नहीं. वेल आई राइट ओके. आई डोंट नो यू राइट और नॉट बट इट्स समटाइम्स इट हैपन्स कि हम यू को यू लिख देते हैं राइट. और ये हमें है ना एक काइंड ऑफ अ हिंट है कि यू जो है यूरोपियन इट गिव्स द साउंड यू राइट. बट यू तो वाई ओ यू जैसा भी साउंड करता है. तो इसमें क्या लगेगा. अ यूरोपियन कंट्री. डैश स्टेशन. तो एस एंड सो वो कैसा साउंड देता है. स इट्स अ कंसोनेंट साउंड. सो अ स्टेशन. डैश आइसक्रीम. ये तुम्हारे लास्ट क्वेश्चन में भी आया राइट. तो एन आइसक्रीम. मेरे हैंड राइटिंग्स बहुत बड़े बड़े आए हैं. एन आइसक्रीम. डैश ऑरेंज हैट. ऑरेंज हैट. तो एन ऑरेंज हैट. डैश ग्रीन एप्पल. Green, it's a consonant sound. So, a green apple. Dash airport. Air. It gives a vowel sound. A. So, an airport. Dash English university. Dash English university. I hope you can see. So, an E. English. It gives a sound of E. E. It's a, it's what? It's a, what are you doing? Vowel. It's a vowel. So, and it is giving a vowel sound. So, an. Right. Now, dash school uniform. School. School. S. It gives a consonant sound. It gives a consonant sound. A school uniform. ओके. अगर यहाँ पे स्कूल नहीं होता फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्कूल को हटा दूँ तो आप क्या लगाते. चलो यूनिफॉर्म क्या लगाते हैं आप. अ यूनिफॉर्म ही आता. बिकॉज मैंने अभी कहा आपको कि जो यू है यू वो कैसे साउंड करता है. यू वाला दैट यू आप ये करो. यू डू दिस वर्क. तो ये यू जैसा साउंड करता है एंड दैट्स व्हाई यू विल यूज अ ओनली ओके. डैश एग. एग इट्स अ वेरी सिंपल वर्ड. ये तो हमें बहुत पहले से आता है राइट. एप्पल आइसक्रीम एग. तो इसमें तो कुछ पूछना ही नहीं है. एन एग राइट. डैश वाइट एग. अब चेंज हो गया है. इट्स वाइट एग. तो वाइट क्या देता है हमें. अ कंसोनेंट साउंड व व वाइट एग. तो अ वाइट एग. डैश अम्ब्रेला. तो अब यू आप बोलोगे कि यू यू से स्टार्ट होता है तो अ लगेगा बट नो ओके. क्या है ये साउंड कैसा देता है. अ अ. तो अ क्या है. व्हाट इज अ. इट्स अ वॉवेल. इट्स अ वॉवेल. तो हम क्या लगाएंगे. विल यूज एन राइट. वेरी सिंपल
Just you have to concentrate on the sound. Okay, don't look at the letters. You just concentrate on the sounds. Dash library. Dash library. तो क्या आएगा? Library. A library. Now let's move to the next question. So now let's read the third one. Paul goes to university every day. In his backpack, there is dash book, dash pencil case, dash apple and dash egg, and mini sandwich. Some days he also buys an ice cream for the डेजर्ट. तो अभी हमने ये पूरा जो पैराग्राफ है वो हमने रीड कर लिया. अब जहाँ जहाँ पे आपको ब्लैंक दिख रही है आपको क्या करना है, फिल करना है ब्लैंक्स को. ओके, या कंप्लीट द सेंटेंस मीन्स फिल इन द ब्लैंक्स. ओके, एफ बी. इन हिज बैकपैक दैट इज डैश बुक डैश पेंसिल केस. तो क्या आएगा? बुक. क्या होगा? अ बुक, बिकॉज दे आर नॉट टेलिंग अबाउट द स्पेसिफिक बुक दैट इज इन हिज बैग. ओके, ये क्या बोल रहे हैं? एक बुक होती है. हाँ, बुक होती है, लेकिन अभी वो बता नहीं रहे हैं कि कौन सी बुक है. द ओनली टेलिंग बुक होती है. ओके, सॉरी, डैश पेंसिल केस. डैश पेंसिल केस तो अ पेंसिल केस. डैश एप्पल. एप्पल, very simple, an apple and an egg. So यहाँ पे n है, but I'm not able to write on that space. Just wait. An egg, okay? And mini sandwich. Some days he also buys ice cream for dessert. तो ice cream के पीछे एक है dash. He also buys an ice cream. क्या आएगा? He also buys an ice cream. Now let's move to the next question. Well, not the next question, but the next paragraph. Okay, it is of the same thing. Okay, Paul के बारे में है. तो अब आज है उसकी English exam. आज क्या है? Today he has English exam. The exam is not very difficult. He writes dash story about dash adventure. The story begins like this. It is a special day for Oliver. That is dash special day for Oliver. At 10 o'clock in the morning, he gets on dash plane. His destination is Australia and the story continues. तो अभी हमें फिल करने ही गैप्स. ओके, तो टुडे ही एज डैश इंग्लिश एग्जाम. ई इंग्लिश, व्हाट हैपेंड? तो ही हैज एन इंग्लिश एग्जाम. द एग्जाम इज नॉट वेरी डिफिकल्ट. ही राइट्स डैश शॉर्ट स्टोरी. ही राइट्स डैश शॉर्ट स्टोरी. क्या आएगा? ही राइट्स अ शॉर्ट स्टोरी अबाउट एन एडवेंचर. द स्टोरी बिगिंस लाइक दिस. इट इज डैश स्पेशल डे फॉर ऑलिवर. इट इज अ स्पेशल डे फॉर ऑलिवर. एट 10 o'clock इन द मॉर्निंग ही गेट्स ऑन डैश प्लेन. तो यहाँ पे जो प्लेन है वो स्पेसिफिक नहीं दिया हुआ है कि ये किसके मतलब कौन से प्लेन में चढ़ा. द नेम इज नॉट गिवन, राइट? तो आई वॉज जस्ट गोना गिव द एग्जाम. सो आई वॉज जस्ट गोना गिव दैट एग्जाम्पल, बट आई डेंट गेट अ नेम. प्लेन का नाम आई डोंट नो. ओके, आई डोंट नो द नेम्स ऑफ द प्लेन. आई एम नॉट वेरी गुड एट दैट. ओके, so at 10 o'clock in the morning he gets on a plane. okay, yahan pe oh my god, yahan pe koi dash nahi hai. The story continues. okay, some of the phrases are wrong, correct them. तो यहाँ पे क्या है कि ना ये जो लिखे हैं ना छोटे छोटे काइंड्स ऑफ फ्रेजेस, उनमें कुछ कुछ रॉन्ग है. ओके, इट्स नॉट सेड के सारे रॉन्ग है. इनमें से सम मीन कोई ही रॉन्ग है. ओके, आई एम नॉट गेटिंग द परफेक्ट वर्ड टुडे. आई डोंट नो व्हाट हैपन. चलो देखते हैं कितने कितने रॉन्ग हैं. ओके, तो डैश अ इंजीनियर, इज इट करेक्ट? इज इट करेक्ट? कैन यू जस्ट थिंक
Is it correct? No, it's not. It's not correct. It will be an engineer. Okay? तो मैं यहाँ पे आंसर लिख रही हूँ बिकॉज इतना स्पेस नहीं है. आई जस्ट करेक्ट इट ओवर योर. ओके, तो एन लगेगा, ऑन ही लगेगा. क्यों? बिकॉज ई इज गिविंग अस अ वॉवेल साउंड. ओके, व्हाट इज हैपनिंग? ई इज गिविंग अस अ वॉवेल साउंड. नाउ नेक्स्ट वन, अ आवर. अ आवर, इज इट करेक्ट? नो इट्स नॉट, बिकॉज हमें लास्ट से लास्ट क्वेश्चन में जस्ट वेट, कहाँ आया था? कहीं पे तो आया था, राइट? या हियर, सी मैंने आपको बताया था ना, कंप्लीट विद ए एन एन यहाँ पे. अरे तो यहाँ पे आया था, राइट? तो अभी यहाँ पे सेम है, तो ये करेक्ट है कि नहीं? नो इट्स नॉट करेक्ट. इट विल बी एन आवर. ओके, इट विल बी एन आवर. अब क्यों? क्योंकि जो एच ओ यू आर है, उसमें जो एच है वो भले ही कॉन्सोनेंट हो, बट वो साउंड कैसा देता है? इट गिव्स अ कंसोनेंट, सॉरी, अ वॉवेल साउंड, बिकॉज एच इज साइलेंट एंड वी प्रोनाउंस इट लाइक अ आवर. ओके, एन आवर. ओके, एन आवर इज द करेक्ट थिंग. नेक्स्ट, ओ सॉरी, डैश हाउस. अ हाउस है यहाँ पे, और अ हाउस करेक्ट है? अ हाउस, इज इट करेक्ट? यस, इट्स करेक्ट. डैश एन ऑरेंज बुक. एन ऑरेंज बुक, इज इट करेक्ट? एन ऑरेंज बुक, इज इट करेक्ट? यस, इट्स टोटली करेक्ट. डैश यहाँ पे लिखा है एन यूनिफॉर्म. Is it correct? Is it correct? An uniform. Is it correct or not? Come on, tell me. It's correct, but no, it's not correct. See, I told you, okay? मैंने अभी ही थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि स्कूल यूनिफॉर्म था ना हमारे यहाँ पे, एग्जाम एग्जाम्पल. See, स्कूल यूनिफॉर्म. तो मैंने अभी आपको बताया था, मैंने क्या बताया था कि अगर मैं यहाँ पे स्कूल हटा दूँ तो भी आप क्या लगाओगे? अ लगाओगे. क्यों? बिकॉज जो यूनिफॉर्म है वो कैसा साउंड देता है? इट साउंड्स लाइक यू, दैट इज आप. ओके, ये मैं बहुत बार बता दिया है एंड आई थिंक सो अब आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज यू आर अ मास्टर इन दिस कॉन्सेप्ट. ओके, तो अ यूनिफॉर्म आएगा, राइट? क्या आएगा, क्या आएगा? चलो, अ यूनिफॉर्म, राइट? A uniform. Okay? So now let's move to the next question. तो जो next question है वो है fill in the blanks with A and N. Fill in the blanks with A or N. वापस ये दो ही हैं. Okay? तो चलो, dash car क्या आएगा? Dash car. What will come over here? A car. Okay? A car. I will write the answer over this blank space, okay? Because ये मेरे को थोड़ा सा अजीब पड़ रहा है, also I'm writing with my finger, so it's a bit hard to write, okay? Dash toy. क्या आएगा यहाँ पे? A toy. क्या आएगा? A toy. अब मैं क्यों नहीं बता रही, बिकॉज़ आई नो कि आप सबको पता है क्यों. ओके, कुछ अजीब सा, मीन स्ट्रेंज वर्ड होगा जिसमें यू नो कन्फ्यूजन होगा, देन आई विल टेल यू. ओके, मोस्टली तो ये जो इस में, इस वर्कशीट में जो है, दे आर नॉट कन्फ्यूजिंग. ओके, डैश इंजीनियर, थर्ड वन, डैश इंजीनियर. इसमें क्या आएगा? एन इंजीनियर. ओके, an engineer. Now let's change the color and be some kind of attractive. Okay, dash apple. Apple, apple, an apple, an apple. इसमें तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, right? Dash notebook. Dash notebook. क्या आएगा यहाँ पे? A notebook. A notebook. Okay, dash umbrella, that is the sixth one. I hope you can see that. May I make it bigger? Just wait.
डैश अम्ब्रेला, क्या आएगा यहाँ पे, एन यू एम बी आर ई एल एल ए, एन अम्ब्रेला। मैंने अभी लास्ट में बताया था क्या आएगा यहाँ पे, मतलब एन क्यू आएगा, ओके। मैंने अभी बताया था, डू यू रिमेम्बर, आई थिंक सो यू रिमेम्बर एंड यू नीड टू रिमेम्बर, ओके। डैश गर्ल, गर्ल, आई एम अ गर्ल, ओके। तो आई एम अ गर्ल, व्हाट आई एम अ गर्ल। डैश आंट, क्या आएगा यहाँ पे, क्या आएगा यहाँ पे, एन आंट, क्या आएगा, एन, अरे रे, एन A U N T, okay? An ant, because it gives a vowel sound A. It gives a vowel sound A, A, ant. And A is what? It's a vowel, so an ant. Okay, dash table, dash table. So a table, a table. Dash window, dash window. A window, a window. Dash student, dash student. A student, right? Are you just understanding it? A student. Dash driver, a driver. Dash orange, an orange. Dash hour, an hour. You know why hour, we are only pronouncing O-U-R. And what is O? It's a vowel. So, and dash uncle, a uncle. It gives a vowel sound, uncle. So, an uncle. First part may be, pehla hi example tha, read the following mein. This book was borrowed from an uncle, okay. तो देखो फर्स्ट पार्ट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने सारे रूल्स और वो सब यहाँ पे बताए, सो यू नीड टू वॉच दैट फर्स्ट पार्ट, ओके। डैश आवर हमने कर लिया, अंकल कर लिया, वॉच, ओके, डैश वॉच, तो अ वॉच, ओके। जस्ट वेट अ मिनट, या नाउ इट्स गुड। डैश वॉच, तो अ वॉच। Dash ring, a ring. Dash car, a car. And dash computer, a computer. तो गाइस अभी हमारा जो बहुत सारा प्रैक्टिस हो गया है, राइट, और आई थिंक सो आपको सब कुछ आपको क्लियर है ए एंड द वाले कॉन्सेप्ट में। तो हमने द का अभी वर्कशीट किया नहीं है, ओके, बट द इज़ ऑल्सो वेरी इजी व्हेन द थिंग इज़ पर्टिकुलर, व्हेन द थिंग इज़ पर्टिक्यूलर, ओके, व्हेन द थिंग इज़ पर्टिक्युलर देन वी यूज़ द, एंड इट कैन बी, इट कैन बी प्लूरल और इट कैन बी सिंगुलर, ओके, इट कैन बी बोथ प्लूरल और सिंगुलर, ओके। सो दैट्स इट व्हेन वी यूज द। सो देन ऑल्सो टू बी क्लियर विद द टॉपिक द वाला, जो टॉपिक है, तो यहाँ पे मैंने यू नो आपको क्लियर करने के लिए कुछ एग्जांपल्स ऐसे कुछ दे दिए कि कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं द, ओके। जैसे आप फर्स्ट देख सकते हो, द सन गिव्स अस हीट एंड लाइट, द मून इज कूल एंड इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, द स्काई लुक्स ब्लू ड्यूरिंग द डे, द यूनिवर्स इज सेड टू बी एक्सपांडिंग ऑल द टाइम। The is used before the names of oceans, seas, rivers, canals and mountain ranges. तो ये आपको पता चल गया कहाँ कहाँ the use होता है। अभी हम और examples देख लें, the Red Sea, the Indian Ocean, the Himalayas, the is used before the names of holy books also, okay? यहाँ पे देखो ये जो लिखा है sentence वो इन सब के बारे में, फिर holy books का है, next ही Quran, Bible ऐसा। तो देखो ओशन, सीज, रिवर्स, कैनाल्स, वो सब क्या है, एब्स, सूज कैनाल, गोदावरी, द यमुना, द अटलांटिक ओशन, द बे ऑफ बंगाल। तो ये सारे नेम्स के पीछे भी क्या यूज़ होता है, द इज़ यूज इन सारे नेम्स के पीछे भी, ओके। फिर द हॉली बुक्स, ओके, हॉली बुक्स के नाम के पीछे भी द यूज़ होता है, सच एज़ वॉट, सच एज़
such as Quran, the Bible, the Gita, okay, that are what? They are holy books, right? Next, we have this. देखो holy books का हो गया. अभी the is used before the names of ships, aeroplanes and newspaper. जैसे ये सारे भी names होते हैं, right? Ships के names होते हैं, aeroplanes के name होते हैं, newspaper के name होते हैं, right? So this is a better clear picture, okay? तो अभी है ना कोई कोई you know the certain countries which include the word like kingdom or state like that. तो जैसे USA, the USA. तो जैसे the United Kingdom, that is UK, the United Kingdom. तो जहाँ पे जो countries या continents इसके नाम पे पीछे kingdom या कुछ states ऐसा कुछ आता है वहाँ पे क्या use करते हैं हम लोग? The use करते हैं. The India will not say the India क्योंकि उसमें ऐसा कुछ words नहीं आते, right? जैसे states या kingdom और ऐसे कुछ words, they are noun, okay? कोई noun words नहीं आते. India, India is a name, okay? उसमें कोई nouns नहीं आते. तो that's why we don't use the. फिर द इज़ यूज बिफोर द नेम ऑफ अ क्लास, नेम ऑफ अ क्लास ऑफ पीपल और कम्युनिटी. जैसे द इंडियन, तो मैंने कहा था इंडिया. आई वॉज़ नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिया. ओके, जस्ट यू कैन ओनली चेक आउट. ओके, आई सेड इंडिया नॉट इंडियन. तो जो कम्युनिटी या क्लास ऑफ पीपल होते हैं वहाँ पे भी हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं? द. जैसे इंडियन, द सिक्स, द मुस्लिम्स, द नेग्रोज, ओके, लाइक दैट. ओमिशन ऑफ द आर्टिकल्स, आर्टिकल्स आर नॉट यूज बिफोर प्रॉपर मटीरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. नाउ व्हाट आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स? दैट कैन बी, ओके, वी कांट टच, यू कांट टच, ओके, यू कांट सी देम, बट दे आर फेल्ट, ओके, यू कैन जस्ट फील देम. ब्रेवरी, यू नो, लाइक दैट, ओके, ब्रेवरी, दैट इज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. सनी, ओके, यू कांट टच सनी, बट यू कैन फील इट सनी, राइट? ओके, दिस डे इज वेरी सनी, ओके, द वेदर इज वेरी सनी, नॉट दिस डे, दिस वेदर इज वेरी सनी, द वेदर इज काइंड ऑफ वेरी सनी. वुड इज एन इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस, तो यहाँ पे द वुड इज एन इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस नहीं आएगा बिकॉज इट इज अ मटीरियल. वॉट इट इज? इट्स अ मटीरियल. एंड क्या लिखा है यहाँ पे? वी शुड नॉट यूज द. ओके, आर्टिकल्स आर, ओके, नॉट ओनली द, ऑल द आर्टिकल्स, ओके, नॉट ओनली द, आई जस्ट फॉरगॉट टू से दैट, वेरी वेरी सॉरी, नॉट ओनली द बट ऑल द आर्टिकल्स कैन नॉट बी यूज बिफोर देम. ओके, वुड इज अ इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस. ऑनेस्टी इज वॉट? ऑनेस्टी इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ऑनेस्टी इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ अ कंट्री. जितेंद्र इज इन क्लास 9th, he was awarded for bravery. Gold is a precious metal. तो ये सब कुछ हमने पढ़ा, क्या था the के uses और कहाँ पे हमें articles नहीं use करने चाहिए. तो गाइज मैं वापस यहाँ पे आ गई हूँ. तो यू कैन जस्ट टेक अ पिक्चर इफ यू वॉन्ट एंड यू कैन जस्ट प्रैक्टिस मैन योर एग्जाम्स आर देयर. ओके, तो जस्ट आई एम वेटिंग फॉर सम सेकेंड्स. यू कैन जस्ट टेक अ स्क्रीन शॉट और अ पिक्चर फ्रॉम अदर मोबाइल. I'm changing. This is the second question we did. This is the third one. Fourth one. And I'm also showing you the, you know, you can also just take a pic of these answers. This was the of the exercise 1, 2. Number 3 and the number 4. This was the last one. And here are the answers. So guys, it's time to say bye and please don't forget to hit the like button, share, and also please don't forget to subscribe my channel if you haven't, okay? Subscribing is very, very important, okay? So you'll just
get to know when I upload new videos, and also click on the bell icon, okay, for all the notifications. So yeah, bye bye, take care.